नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। देश की राजधानी दिल्ली में आज बाढ़ का सातवां दिन, लेकिन दिल्ली की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच दिल्ली में आज सुबह से ही कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। वही यमुना नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें, यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, अभी भी दिल्ली के ITO इलाके में काफी पानी भरा हुआ है। वहीं सुबह बारिश हो जाने के चलते ITO ब्रिज पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाने के कारण से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दिल्ली में बारिश ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी 17 जुलाई को बारिश देखने को मिलेगी। वहीं अगर तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस। वहीं आपको बता दें, पिछले दो दिनों से जलस्तर में कमी रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन अब अचानक इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके बाद अब राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आने की आशंका जताई जा रही है। यमुना में आई बाढ़ के बाद दिल्ली के 6 जिलों के अलग अलग इलाकों में कई कई फीट तक पानी भर जाना और बाढ़ आने के बाद हालात खराब होना संभव बताया जा रहा है। हालांकि सेना, नेवी, NDRF और तमाम सरकारी एजेंसियां स्थिति से निपटने में जुटी हैं, लेकिन अब एक बार फिर जलस्तर के बढ़ने से परेशानियां और बढ़ती दिख रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार और प्रशासन बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू कराने के बाद राहत कैंपों में उनको सुविधा मुहैया कराने में जुटी है। तो वहीं उधर यमुना के वाटर लेवल में कमी आने के बाद CM अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि पानी का लेवल कम होने के बाद राहत कैंपों से लोग अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी होने से अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी खतरा टला नहीं है और पीड़ितों को फिलहाल अपने घरों की तरफ लौटने की संभावना कम नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा अभी ITO बैराज के खराब व बंद पड़े 5 गेटों को भी पूरी तरह से नहीं खोला जा सका है। अभी तक कड़ी मशक्कत के बाद नेवी की मदद से 2 गेटों को ही ओपन किया गया है। वहीं बाकी के 3 गेटों को खोलने का प्रयास निरंतर जारी है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।